हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, अगर आपका भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है लेकिन आपकी यूट्यूब की अर्निंग काफ़ी कम हो रही है और आपको $100 कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है और आपकी पेमेंट भी जो है मंथ बाय मंथ लेट होकर आपको मिल रही है और आप चाहते हैं कि आपकी यूट्यूब की अर्निंग बढ़ जाए, हर महीने $100 कम से कम कंप्लीट हो जाए ताकि आपकी पेमेंट हर महीने आने लगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम पर जो है एक मेरे सब्सक्राइबर से जिन्होंने मुझे DM किया था, उन्होंने लिखा था कि सर मेरा चैनल जो है 6 महीने से मोनेटाइज हो चुका है लेकिन अभी तक जो है हमारी अर्निंग हर महीने $100 नहीं हो पा रही है, जबकि हमारे चैनल पर 2.5 लाख 2 लाख व्यूज हर महीने आ रहे हैं, तो इसका क्या है सोल्यूशन, हम अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्लीज़ तरीका बताइए और हमारा चैनल बाकायदा चेक कर देखिए कि उस पर हमने क्या मिस्टेक किया हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल तो मैंने इनका चैनल चेक किया जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा अपने लैपटॉप पर ले चलकर। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि चैनल मोनेटाइज होता है तो आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी अर्निंग जो है काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, मिड रोल एड। जिनका चैनल मैंने चेक किया है उन्होंने जो है मिड रोल एड किसी भी वीडियो पर नहीं लगाया था। अब ये मिड रोल एड क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि YouTube पर 8 मिनट या 8 मिनट से ज़्यादा की लेंथ वाली वीडियो पर YouTube का एक न्यू एड लगाने का ऑप्शन मिलता है जिसको कि मिड रोल एड कहते हैं। दोस्तों, अगर 8 मिनट से कम की वीडियो रहती हैं तो जो एड फॉर्मेट रहते हैं वो तो हम उस पर लगा सकते हैं, लेकिन 8 मिनट या 8 मिनट से ज़्यादा की लेंथ वाली वीडियो पर हम मिड रोल ऐड लगाते हैं जिससे कि हम अपने मन मुताबिक वीडियो में बीच बीच में ऐड लगा देते हैं और उन जगहों पर यूट्यूब ऐड दिखाता है जिससे कि उन वीडियो से हमारी अर्निंग ज़्यादा होने लगती है। तो ये कैसे लगाया जाता है इसको मैं आपको अपने लैपटॉप पर ले चलकर दिखाता हूँ, उसके बाद आप बकायदा जो है अपने सभी वीडियो पर जो कि 8 मिनट या 8 मिनट से ज़्यादा की हैं उन पर मिड रोल ऐड लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये अराइव ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल है जो कि क्लासेज से रिलेटेड है, आप इनके चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। और सबसे मैं खास बात इनको ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है मुझे अपने चैनल का एक्सेस दिया बिलीव कर, तो मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या इफेक्ट इनको देखने को मिला। तो दोस्तों चलिए इनके YT स्टूडियो में चलते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोस्तों YT स्टूडियो में हम चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अराइव ऑनलाइन क्लासेज का YT स्टूडियो यहां पर ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि करेंट सब्सक्राइबर 7113 हैं और यहां पर दोस्तों 7000 इनका न्यू अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो सही है लेकिन इनकी अर्निंग दोस्तों आप देख सकते हैं 1,64,000 व्यूज है लास्ट 28 डेज में, लेकिन अर्निंग केवल $48 के लगभग हुई है जो कि काफ़ी कम है और इस तरह से इनका पर मंथ पेमेंट भी नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, मैंने इनके चैनल पर क्या ऐसा किया जिससे कि इनकी अर्निंग इंक्रीज होने लगी, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आता हूं मोनेटाइजेशन के सेक्शन में, ठीक है, और आपको यहां पर मैं दिखा देना चाहता हूं कि आप यहां पर देख सकते हैं 4 जून का ये चैनल जो है 2021 का, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, लेकिन अर्निंग जो है काफ़ी कम हो रही है। और इनका चैनल भी मैंने मोनेटाइज किया था, इनका स्टेप 2 में एरर आ गया था जिसको कि मैंने सॉल्व किया। तो अगर आपके भी चैनल पर एरर आया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो मैंने देख लिया, इन्होंने जो है ओवरव्यू में जो है सारी चीज़ सही है इनके, तो मैं यहाँ पर कंटेंट में गया दोस्तों। अब इनके कंटेंट में मैंने कुछ चीज़ें चेक किया जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है इनकी एक वीडियो उठाया, उसको मैंने यहाँ पर एडिट पर क्लिक किया और यहाँ पर दोस्तों मोनेटाइजेशन सेक्शन में आया, ठीक है। मुझे देखना था कि क्या ये अपने वीडियो पर सभी पर ऐड लगा रखे हैं कि नहीं, तो ये आप देख सकते हैं कि मोनेटाइजेशन ऑन है वीडियो पर और ऐड जो है यहाँ पर एड्स टाइप ओवरले एड्स, स्पॉन्सर्ड कार्ड, स्किपेबल वीडियो एड्स, नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स, ये सारे लगे हुए हैं। और जबकि वीडियो ये 8 मिनट से कम किए तो यहाँ पर ये सारे ऐड नहीं लगे हैं, तो ये तो सही है, ये तो काम कर रहा है, ये ऐड इनका चल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ, मिड रोल ऐड वो जो है 8 मिनट या 8 मिनट के ऊपर की वीडियो पर लगती हैं, तो उन्होंने दोस्तों यही गलती की थी। बहुत सारे वीडियो पर ये जो है अपने मिड रोल ऐड लगाया ही नहीं था और उसको बाय डिफॉल्ट इन्होंने सेट कर रखा था जिससे कि 1-2 ही ऐड बीच बीच में लगे थे और उससे इनकी अर्निंग काफ़ी कम हो रही थी। तब दोस्तों, मैंने इनका चैनल का जो भी लॉन्ग वीडियोज थी सभी पर जो है मैंने इनको रिकमेंड किया कि मिड रोल ऐड लगाइए,
अब दोस्तों यहाँ पर मिड रोल एड लगाना कैसे है, सबसे पहले आपको जो है जो भी 8 मिनट या 8 मिनट से ऊपर की वीडियो है उनको आपको एडिट करना है, ठीक है, चेक करना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं 16 मिनट की वीडियो, तो हम यहाँ पर इसको जो है एडिट करते हैं और यहाँ पर मोनेटाइजेशन के सेक्शन में आते हैं इस वीडियो के। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सभी टाइप की एड्स यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ पर जो है आपको मैनेज मिड रोल एड का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में इन्होंने मिड रोल एड ही नहीं लगाया। अगर इस वीडियो को कोई भी देखता है बंदा तो मिड रोल एड ना होने की वजह से वो पूरा वीडियो देख जाएगा, लेकिन YouTube केवल आगे और पीछे ही एड दिखा पाएगा, लास्ट और फर्स्ट में ही एड दिखा पाएगा। तो दोस्तों आपको मिड रोल एड कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको इस तरह से मोनेटाइजेशन पेज ओपन कर लेना है वीडियो का। अब आपको दोस्तों सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि 25 सेकेंड पर क्लिक करें और यहाँ पर एड ब्रेक के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का जो है एक आपको ब्लैक कलर का जो है कुछ हाफ एरो दिखेगा, तो ये जो मिड रोल यहाँ पर शो कर रहा है कि लग गया है। अब आपको दोस्तों फिर कुछ लेंथ आगे आना है वीडियो के, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि लगभग 3 मिनट पे आना है और उसके बाद एड ब्रेक पर फिर से आपको क्लिक करना है। तो ये दोस्तों बीच बीच में एड ब्रेक आप इस तरह से लगा सकते हैं, जिसे हम मिड रोल एड कहते हैं, ठीक है। तो ये मैनुअली अगर आप लगाएंगे तो आपको इसका बेनिफिट अच्छा खासा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जो है बहुत सारे मिड रोल एड लगा देता हूँ, आप अपने वीडियो के लेंथ के अनुसार टाइमिंग सिलेक्ट करके मिड रोल एड लगा सकते हैं और कोशिश करें कि बहुत कम टाइमिंग पर जो है मिड रोल एड ना लगाएं, क्योंकि उससे जो है ऑडियंस अगर ज़्यादा ऐड आने लगेगा तो परेशान हो जाएंगी। तो एक ऐसा टाइमिंग सिलेक्ट करें जिससे कि उनको भी ऐड देखने में दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ पर 3-3 मिनट का गैप किया है, 3 मिनट वीडियो देखने के बाद अगर मिड रोल एड आता है तो कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली अगर आप करेंगे तो वो केवल एक ऐड लगा देगा ऑटोमेटिक और उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर मैनुअली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐड ब्रेक लगा रखे हैं और यहाँ पर टाइमिंग भी दे रहा है कि कितने कितने टाइमिंग पर मैंने ऐड ब्रेक यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैनुअली लगाना है और इसको दोस्तों आपको डेस्कटॉप वर्जन में ही लगाना है, मतलब कि आपको ब्राउजर में या तो ओपन करना है YT स्टूडियो को, या आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो वहाँ पर YT स्टूडियो को ओपन कर मिड रोल एड लगा सकते हैं। तो अब इनकी अर्निंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, मैंने इनको जो है पूछा भी था कि आपकी अर्निंग कुछ इंप्रूव हुई, तो इन्होंने कहा जी मेरी अर्निंग अभी इंप्रूव हो रही है और हो सकता है कि 1-2 मंथ बाद जो है इनका पर मंथ $100 कम से कम तो बनने ही लगेगा जिस हिसाब से व्यूज इनका आ रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कितना अच्छा तरीका है अपने खुद की वीडियो से ज्यादा अर्निंग करने का, अपने चैनल पर अर्निंग बढ़ाने का। दोस्तों अक्सर मैंने देखा कि जो नए यूट्यूबर होते हैं वो चैनल मोनेटाइज होने के बाद अपने वीडियो पर बाय डिफॉल्ट जो ऐड आते हैं टाइप्स रहते हैं ऐड के वो तो लगा देते हैं, लेकिन उनको जो है नॉलेज या नहीं होती इस बारे में, वो 8 मिनट या 8 मिनट से ज़्यादा की लेंथ वाली वीडियो पर मिड रोल ऐड नहीं लगाते हैं। और लगाते भी हैं तो बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं, जिसमें कि YouTube जो है अपने मन मुताबिक बीच में कहीं पर भी 1-2 ऐड लगा देता है। तो दोस्तों मैन्युअली तरीके से आप मिड रोल ऐड अपने हर वीडियो में जो कि 8 मिनट या 8 मिनट से ज़्यादा की है लगाइए, आपकी जो अर्निंग है वो देखिएगा इस मंथ तो नहीं अगले मंथ से आपको खुद ही ज़्यादा नज़र आने लगेगी। तो दोस्तों मैंने फिलहाल इनकी सेटिंग कर दिया है, अब इनके चैनल पर अर्निंग अच्छी खासी होने लगी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ आपने अगर मेरा काम नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड मेरे भाई मेरे मित्र जो भी हैं आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा दबा लीजिए, ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यार सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।